आजकल मैं देख रही हूँ एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे को कहेंगे कि मैडम सानू डायग्नोज हुए हैं, तो मैं दसना चाहती हूँ एंडोमेट्रियोसिस होंदा की है। आम अपनी जी यूटरस की लाइनिंग होंगी, बच्चेदानी की लाइनिंग होंगी है, वह बंद ही जाती हैगी, अंडा बंद है, उस हॉर्मोन आते हैं, जब पीरियड आता है तो वो लाइनिंग नीचों निकल जाती हैगी वजाइना। लेकिन काफ़ी बार की होंगे कि कुछ कुछ मरीजों में वो लाइनिंग अंडेदानी तो बच्चेदानी के बाहर की सतह और ट्यूबा के उपर भी बैठी होंगी है। जब भी पीरियड आता है तो बच्चेदानी की लाइनिंग तो वजाइना चो बाहर आ जाती है, बाकी की जिनी लाइनिंग है उत्थे खून का धक्का बनता जाता है। जिनी बार पीरियड आऊगा एंडोमेट्रियोसिस बढ़ेगा। यहोजे मरीजों को यूजली बहुत मरोड़ पैंदा जब पीरियड्स आते हैं, आपस मिलन नू जी भी नहीं करता, तो मिलते हुए भी बहुत ज़्यादा दर्द होंगे। एंडोमेट्रियोसिस नू आपां अंडेदानी का दीमक बोलते हैं। दीमक मतलब उन्हें अंदरों ही अंदरों अंडेदानी नू खांदे रहना है और उस चक्कर दे विच थोड़ा अंडेदानी का रिजर्व भी घट होंदा है, उहदा ट्यूबा दे नाल रिलेशन भी खराब होंदा है और प्रेगनेंसी लगन तां डेफिनेटली दिक्कत आती है। ये वह पेशेंट्स हैं जिन्हां नू काफ़ी बार अगे चल के IUI या IVF ट्रीटमेंट कराना पैंदा है, तो कुछ नू सर्जरी भी करानी पैंदी हैगी है ताकि ये डिजीज़ इन्ना ना बढ़ जाए कि अपने आप नैचुरल प्रेगनेंसी हो ही ना पावे। जे थोनू इन विच्चों कोई भी प्रॉब्लम हैगी है तो अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट नू जरूर मिलो, तो देखो कि थोड़ी डिजीज़ कितने तक पहुँच गई। धन्यवाद।